मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इआदा। रियासत की रिट बरकरार रखी जाएगी। ऐलामिये में कहा गया, जामे कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। मुआशी आज़ादी के बगैर मुल्की खुद मुख्तारी या वक़ार दबाव में आता है। मईशत को मजबूत बनाने के लिए कमेटी ने ठोस इकदाम करने पर इत्तेफाक किया। एमकेएम के तहफ़ुज़ात बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। गवर्नर वज़ीर आला सिंध एमकेएम रहनुमा शरीक। इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात का मामला ज़ेर गौर। वफ़ाकी हुकूमत की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह या सादिक मलिक अहमद कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज। सियासी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। जे यू आई ने खत के जरिए तमाम जिम्मेदारों को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात केस, विफाक और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और इलेक्शन कमीशन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। और पंजाब असम्बली का अजलास 11 के बजाय 9 जनवरी को तलब। दिन 2 बजे अजलास होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।